जिले भर में पिछले दो दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कल जहां पूरे दिन बादल छाए रहे वह हल्की बूंदाबांदी हुई, वहीं देर रात से क्षेत्र में जारी बूंदाबांदी का असर सुबह तक जारी रहा। बारिश होने से क्षेत्र में सर्दी का असर बढ़ गया। पिछले एक सप्ताह से चटक धूप निकलने से जनजीवन को सर्दी से राहत मिली थी, लेकिन पिछले दो दिनों से मौसम में हो रहे बदलाव ने पुनः सर्दी का एहसास करवा दिया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते उक्त बारिश हुई है। विभाग के अनुसार कहीं बादल छाए रहेंगे तो कहीं हल्की बारिश होगी। कई स्थानों पर तेज बौछारों की भी चेतावनी दी गई है। राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा व आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चूरू के टाउन हॉल में चल रही तैयारियों का निरीक्षण आज कांग्रेस के पीसीसी उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया व कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज खीचड़ ने किया। लोकसभा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आदि उपस्थित रहे। खीचड़ ने बताया कि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा व आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लोकसभा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में अतिथि सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। कल सुबह में 11 बजे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी और हमारे एआईसीसी के प्रभारी और प्रतिपक्ष नेता कल चूरू के अंदर पधार रहे हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसके बारे में हमारे कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और उनको बताएंगे, और लोकसभा चुनाव जो आ रहा है उसके बारे में भी चर्चा होगी, और हम उनका कल 11 बजे यहाँ भव्य स्वागत करेंगे। और ये कल की जो मीटिंग है वो कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, ना कि आम सभा है, और कार्यकर्ताओं से मिल के वो फिर प्रस्थान करेंगे। रतनगढ़ के पड़िहारा कस्बे में श्री प्रजापति समाज समिति के तत्वावधान में आज 7वां प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। प्रजापति भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता ओम प्रकाश मारोठिया ने की। युवा नेता राधेश्याम बबेरवाल के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में निशा भूड़ीवाल, किरण प्रजापत, सरदार मल भूड़ीवाल आदि उपस्थित रहे। स्वर्गीय खुमाणमल भूड़ीवाल की स्मृति एवं विनोद भूड़ीवाल के आर्थिक सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम में समाज की 68 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान समाज के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। आज प्रजापति समाज समिति पड़िहारा द्वारा प्रजापति भवन में विनोद कुमार जी भोड़ीवाल के आर्थिक सौजन्य से उनके पिताजी स्वर्गीय श्री कुमारमल जी भोड़ीवाल की स्मृति में कस्बे का 7वां प्रजापति प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पड़िहारा कस्बे की होनहार छात्र छात्राएं, सर्विस में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली, एमए बीए में अपना स्थान लाने वाली 68 प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। सरदारशहर स्थित सूबेदार टंकी के पास खांडल विप्र परिषद भवन स्थित श्याम मंदिर में शनिवार को पुजारी बनवारीलाल मंगलहारा के सानिध्य में भव्य संगीतमय अखंड ज्योत पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान दिव्य ज्योत के साथ मेहुल कुमार शर्मा एंड पार्टी चूरू द्वारा पाठ वाचन प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने फूलों से श्याम बाबा का भव्य श्रृंगार कर दिव्य दरबार सजाया। बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिला श्रद्धालुओं ने पाठ का श्रवण किया तथा प्रसाद ग्रहण किया। वहीं आज मंदिर के ऊपरी तले पर समाज की आर्थिक सौजन्य से निर्मित हॉल का लोकार्पण एवं वरिष्ठ जन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हॉल का लोकार्पण पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक हरिप्रसाद शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गिरधारीलाल शर्मा आदि ने फीता काट कर किया। रतनगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच की ओर से आज रोडवेज बस स्टैंड पर भारत सरकार व प्रधानमंत्री द्वारा पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा पर खुशी जताई गई। मंच के संयोजक अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। इंदौरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के पथ प्रदर्शक आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। आडवाणी का जीवन भारत माता की सेवा व समाज के उत्थान के लिए समर्पित रहा है। जनसंघ से लेकर राम मंदिर आंदोलन व भाजपा की उत्कर्ष यात्रा में सर्वाधिक योगदान आडवाणी का था। इस अवसर पर पार्षद रामकिशोर माटोलिया, मोहनलाल बबेरवाल, शंकरलाल कम्मा आदि उपस्थित रहे। आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। हमारे देश में जो सबसे सर्वोच्च रत्न होता है
वो भारत रत्न होता है और हम सबको इस बात को कहते में खुशी हो रही है कि आज प्रताप का भारत रत्न हमारे देश के यशस्वी पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण जी आडवाणी को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी गुरु भारत रत्न देने की घोषणा कर चुके हैं। जिनको ये भारत रत्न है, हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता या स्थानीय बस स्टैंड पर आकर के खुशी का इजहार कर रहे हैं। एक दूसरे कार्यकर्ता को मुंह मीठा करवा करके हम सब खुशी का इजहार कर रहे हैं। मैं आदरणीय लाल कृष्ण जी आडवाणी को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। और इसी के साथ साथ केंद्र सरकार, भारत सरकार और आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, इनको मैं जितना आभार व्यक्त करूँ उतना कम होगा, क्योंकि इन्होंने, जैसा कि विपक्ष कई बार शोर शराबा करता था कि आडवाणी जी को दरकिनार कर दिया, लेकिन मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। वो सबका ध्यान रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं और ये हमारे पार्टी के जो नीम के जिनको कहे आडवाणी जी वो हैं, और इनको आज जो सम्मान मिला है इससे हम सबको बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं एक बार सभी को पूरे बहुत बहुत चूरू स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में 6 फरवरी को कंप्यूटर लैब लोकार्पण एवं वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रधानाचार्य किशनलाल सैनी ने बताया कि विद्यालय के भामाशाह बनवारीलाल सोती ने अपनी माता श्री की स्मृति में एक आधुनिक एवं सुसज्जित कंप्यूटर लैब का निर्माण करवाया है, जिसका लोकार्पण 6 फरवरी को संस्थान के जिलाध्यक्ष मदन लाल प्रजापत की अध्यक्षता में किया जाएगा। कार्यक्रम में विद्या भारती संस्थान जयपुर के प्रांत मंत्री शैलेंद्र शर्मा, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ तथा विधायक हरलाल सहन शिरकत करेंगे। चूरू उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में 6 फरवरी को श्रीमान बनवारी लाल जी सोती द्वारा एक भव्य और आकर्षक कंप्यूटर लैब का निर्माण किया गया है, उसका लोकार्पण होगा। कार्यक्रम दोपहर 2:15 बजे होगा। इस कार्यक्रम में माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, विधायक हरलाल जी सारण, संत दिनेश गिरी जी महाराज एवं विद्या भारती के मंत्री शैलेंद्र जी शर्मा, आदर्श शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मदन लाल जी प्रजापत अतिथि के रूप में रहेंगे। कार्यक्रम में वार्षिक उत्सव होगा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होगी एवं अन्य विद्यालय की एक्टिविटी का प्रदर्शन होगा। सभी अभिभावकों से जन, हमारे चूरू शहर के सभी जन मान्य गणमान्य नागरिकों से मैं आह्वान करूंगा कि इस कार्यक्रम में आप सब सादर आमंत्रित हैं, अवश्य पधारें। रतनगढ़ में जन सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत आज स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन फॉर सीवर कनेक्शन के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर में 12 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सीवरेज परियोजना की जानकारी दी गई तथा सीवर कनेक्शन के फायदे बताते हुए ठोस कचरा निस्तारण के संबंध में समझाया गया। जयपुर से आए कैंप के डिप्टी टीम लीडर अनिल सिंह व सामुदायिक विशेषज्ञ सौरभ पांडे ने बताया कि शहर में सीवरेज परियोजना का कार्य किया जा रहा है और घरों को सीवर कनेक्शन द्वारा जोड़ा जा रहा है। इस अवसर पर टीम की काजल, छोटू सैनी, मनीष, प्रवीण सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह राठौड़, RUIDP जन सहभागिता इकाई रतनगढ़। 3 दिवसीय नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम रतनगढ़ शहर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सीवरेज कनेक्शन लेने के लिए सभी को प्रेरित किया, कचरे का सही तरीके से कैसे निष्पादन किया जाए उनके बारे में बताया गया और कार्यक्रम के दौरान समुदाय का विशेष सहयोग रहा और जनप्रतिनिधि का भी काफ़ी सहयोग रहा और बताया गया कि कोई भी घर सीवरेज कनेक्शन से वंचित न रहें। सीवरेज रख रखाव के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। आशा है जो हमने बताया उनका लाभ लेंगे। धन्यवाद।
चूरू के गांव करनपुरा में बाल गोपाल गौशाला क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन पर आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह ढाडर ने प्रतियोगिता की विजेता टीम दूधवा खारा व उप विजेता करनपुरा टीम के कप्तान को ट्रॉफी व नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जिला संयोजक पूर्ण सिंह चलकोई ने बताया कि प्रतियोगिता में जिले की 50 टीमों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह, जिला संरक्षक आलोक सिंह टकनेत, कानूनी सलाहकार नरेश सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे। बाल गोपाल गौशाला समिति करनपुरा द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना किस्मत टीम वहाँ पर पहुंची और विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विजेता टीम रही दूधवा खारा और उपविजेता करनपुरा टीम रही। क्रिकेट प्रतियोगिता और युवाओं को खेल की भावना से जुड़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में भाग लेना चाहिए, इससे युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। सरदार शहर की बहादुर सिंह कॉलोनी विकास समिति द्वारा सामुदायिक भवन में कॉलोनी संस्थापक स्वर्गीय बहादुर सिंह शेखावत की 89वीं जयंती पर कॉलोनी की प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पूर्व मंत्री राजकुमार रीणवा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में पार्षद मदन ओझा, डॉक्टर मधु बैद, अमनवीर सिंह आदि उपस्थित रहे। चूरू जिला पेंशनर कल्याण केंद्र में राजस्थान पेंशनर समाज की ओर से शनिवार को पेंशनर समाज के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर कमल सिंह कोठारी ने कहा कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी शर्मा ने राजकीय सेवा में रहते हुए कृषि विभाग में किसानों के हित में कई नवाचार किए। पूर्व लेखाधिकारी जीवन राम महर्षि ने बताया कि शर्मा ने पेंशनर समाज, विश्वकर्मा क्लब, लॉयंस क्लब, अलायंस क्लब, नगर श्री सहित विभिन्न संस्थाओं में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। इस दौरान पूर्व संयुक्त निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, समाज के जिलाध्यक्ष बिरजू सिंह राठौड़, जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश तंवर आदि ने शर्मा के जीवन से संबंधित प्रेरणादायी अनुभव साझा किए। अशोक कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त सैन्य जैसे पशुपालन विभाग चूरू। आज पिता श्री मोहन लाल जी शर्मा जो सेवानिवृत्त उप निदेशक कृषि पेंशन समाज के कार्यकारी अध्यक्ष रहे, उनका श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया पेंशन भवन में और इसमें सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सरदार शहर विद्युत विभाग को मालसर जीएसएस पर लोड अधिक होने के कारण बार बार किसानों की शिकायतें मिल रही थी कि वोल्टेज कम मिलने और बार बार ट्रैपिंग होने से किसानों को नुकसान हो रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए विभाग ने यहां दूसरे फीडर का कार्य शुरू कर दिया है, जिससे लोड कम हो जाएगा और किसानों को सही बिजली मिल पाएगी। इस कार्य को ग्रामीण समझ नहीं रहे थे और कुछ लोग काम रोकने के लिए रास्ता रोक कर बैठ गए। एसडीएम हरि सिंह शेखावत, डीएसपी पवन भदौरिया और अधिशासी वीएल सैनी ने सरपंच रामनिवास भादु के नेतृत्व में ग्रामीणों को समझाइश कर बताया कि इस सिंगल फीडर पर 94 कृषि कुओं के कनेक्शन है, लोड ज्यादा होने के कारण पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है। दूसरा फीडर बनने से ये लोड दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा, जिससे किसानों को पूरी बिजली मिल पाएगी। इसके पश्चात किसानों ने कार्य शुरू करने दिया। गांव घांगू में कृषि विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को रबी फसलों में निरीक्षण किया। उन्होंने सरसों, गेहूं, जौ, चना सहित अन्य फसलों में होने वाले रोग और पड़वार के बारे में जानकारियां प्राप्त कर मौके पर मौजूद किसानों को रोग निदान और अन्य फसलों से संबंधित जानकारी प्रदान की। सहायक निदेशक कृषि कुलदीप शर्मा ने बताया कि मौसम में उतार चढ़ाव तथा दिन व रात के तापमान में अधिक अंतर होने के कारण सरसों की फसल में मोइला के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। गेहूं की फसलों में भी दिन रात के तापमान में अधिक बदलाव होने के कारण पीलापन की समस्या आ रही है, जिसके लिए किसानों को उचित सिंचाई करनी चाहिए। मानवता की सेवा में अग्रणी संस्था हेल्प इंडिया फाउंडेशन श्रीगंगानगर पिछले कई वर्षों से मानवता के लिए कार्य कर रही है। 9 फरवरी को श्रीगंगानगर के मोती भवन सभागार में संस्था द्वारा देश विदेश की 130 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें सरदार शहर के सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ासर निवासी डॉक्टर गणेश दास स्वामी को नेत्रदान व रक्तदान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा।
चूरू की सैनिक बस्ती स्थित मदरसा सैयदान तौकीरुल उलम में आज सालाना जलसाए दस्तार बंदी सरकारे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जलसे में उलमाए किराम हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद अयूब व मौलाना गुलाम रब्बानी ने देश के अमन चैन शांति व देश की तरक्की के लिए लोगों को आपसी भाईचारे के साथ रहने की दुआ दी। इस दौरान शहर इमाम पीर सैयद अनवार नदीमुल कादरी ने मदरसा से फारिग होने वाले 15 विद्यार्थियों को सनद व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। चूरू स्थित अंसारी नर्सरी में सीरत नबी और साइबर किडनैपिंग विषय पर आज ओपन माइक के छठे सेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शायर इदरीस राज चूरूवी ने हजरत मोहम्मद की जिंदगी पर रोशनी डाली और कहा कि उनकी जिंदगी से जीवन जीने का सलीका आता है। मुख्य अतिथि मौलाना इंसान ने पैगम्बर इस्लाम के अखलाक और समाज में किए सुधार पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं अमन ट्रस्ट के अध्यक्ष उस्मान अंसारी ने साइबर किडनैपिंग के बारे में जानकारी दी। सरदार शहर भानीपुरा थाने के गांव साडासर के पास मेगा हाईवे पर कार की टक्कर से एक बाइक सवार घायल हो गया। घायल को एम्बुलेंस की सहायता से कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने उपचार शुरू किया। सूत्रों के अनुसार हनुमानगढ़ जिले के संगरिया तहसील के किंकरवाली निवासी 20 वर्षीय इमदाद पुत्र अलाबख्श बाइक पर सवार होकर अपने गाँव जा रहा था कि साडासर गाँव के पास सामने से आ रही कार से भिड़ंत हो गई। 24 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर पहले तो उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और फिर उसका गर्भपात करवा दिया। घटना को लेकर रतनगढ़ के गांव की युवती ने आज पुलिस में रिपोर्ट दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि युवती द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि गांव के 25 वर्षीय युवक के परिवार के साथ आज से 4-5 वर्ष पहले आपस में पारिवारिक आवाजाही के कारण मित्रता थी। युवक ने युवती को शादी का विश्वास दिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद युवती गर्भवती हो गई। पुलिस ने SC ST एक्ट के सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।